सो so, अगर आपने अभी तक इसके बाकी ये तीन पार्ट नहीं देखे तो पहले आपको उसे देख लेना चाहिए सो लेट्स सबसे पहले हम यहाँ पर यान जी को देखते हैं जो कि अपने एक्स फ्रेंड ये जिनसे मिलने के लिए जाते हैं बिकॉल लिंक उन्होंने बताया था कि तुम उसे कम से कम पूछ कर तो आओ कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची थी अभी ये सीन उसे बताता है कि तुम इतना क्यूरियस क्यों तभी यान जी कहती है तुम्हें पता है ना कि उस एक्सीडेंट साइड पर यह सब हुआ था इसकी वजह से सभी लोग मुझे काफ़ी सस्पिशियस तरीके से देख रहे हैं इसलिए मुझे बस जानना है कि वो सब कहाँ तक पहुँचा डॉर्मेंट बॉडी मिली क्या नहीं मिली तभी वो कहता है कि मुझे लगता है डॉर्मेंट बॉडी जिंदा हो चुकी है तभी यहाँ जी सरप्राइज होने का नाटक करती है और कहते हैं कि हैं ऐसा भी हो सकता है श्हांग शुआन समझ कर सभी जो फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो जा रहे थे उसकी कार के पास खड़े होकर यहीं पर असिस्टेंट फैंग बाहर निकलता है और कहता है कि नहीं ये तो जंग जंग की कार है इसके बाद सभी उसकी फ़ोटो खींचने लगते हैं यहीं पर जांग ज्यांग लिंशा वो कॉल करती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो यहाँ पर बहुत सारे फैन मुझे परेशान कर रहे हैं तभी असिस्टेंट फैंग बड़ी मुश्किल से उन सभी फैंस को वहां से दूर ले जाता है और कहता है कि इन फैंस को बाहर ले जाना भी कितना ज़्यादा मुश्किल काम है श्वाग शुन को देखते हैं जहाँ पर उसके फ्यों से मिस्टर होंग ये सब अनाउंस कर देते हैं मीडिया के सामने कि वो और शान जल्द जल्दी शादी करने वाले हैं इसके बाद शोन शोन उनसे मिलने के लिए आती है और कहती है कि आपने छूट के बोला अरे बीस ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना ही मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ वो भी इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं जिस बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए बिकॉज मैं आपको इतना भी पसंद नहीं करती कि सीधा शादी कर लूँ एजमेंट इसलिए की थी बिकॉज मेरी मॉम ने फोर्स किया था दरअसल मुझे आप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ज्यांग की फिर से ये चिन से मिलने के लिए जाती है यहाँ पर ये चिन उसे कैट के पूप से निकली कॉफ़ी पिलाता है और कहता है कि इसे पीकर तो देखो तभी वो कहती है कि यू कितना ज्यादा कस्टिंग है तुम तो इतनी गंदी चीज़ पिलाओगे इसके बाद जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो यहाँ पर ये चिन के प्रॉब्लसर उससे मिलते हैं और वो उसे उस डॉर्मेंट बॉडी के बारे में सीधा पूछ लेते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि वो तुम्हारे कॉन्टेक्ट में है इससे अच्छा यही है तो मुझे बता दो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा तभी यहाँ पर जियांग जी सरप्राइज होकर फिर भी अपने आप को कंट्रोल करके कहती है कि क्या आप क्या बोल रहे हैं प्लीज

इसके बाद ंग से गुस्सा होकर शोशन के घर पर चली जाती है इसके बाद रो रो कर उसका घर भर देती है तभी शोनशन कहती है कोई बात नहीं एक ही बार झगड़ा होता हुआ है तो मुझे मना सकती उसके बाद वो कहती है है ठीक मैं उसे बना कर लेकिन वो उस पर बहुत गुस्सा होता है वो मुझे हमेशा डांटता है यहीं पर हम जी और रेचन को देखते हैं हम सेवेंथ और तो सिक्स वाइफ्रेंड एक साथ बैठे हुए थे और वो उसी केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे यहीं पर एक बॉल आती है तो इसके बाद यान जी उस बॉल से बचने के लिए भागता है तो उसे बहुत ही जोर से जोर से कफ आने लगता है उसके बाद जब ये चेन उसे ध्यान से दिखता है तो उसके कफ में ब्लड भी आ रहा था वो तो उससे पूरी डिटेल में पूछता है कि आखिर बात क्या है तभी ये चेन को उसे बताना पड़ता है कि दरअसल उसे लंग कैंसर है और वो लास्ट स्टेज पे है वो बच भी नहीं सकता और ये उसका लास्ट टाइम है और वो चाहता है कि अपने लास्ट मोमेंट ऐसे वेस्ट ना करे जिन पूछता है इसलिए तुमने जानजी को डम किया ना तभी वो कहता है कि हाँ जान जी को मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करता था बट जब मुझे पता चला कि मैं ऐसे स्टेज पर हूँ तो मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता था मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं उस टाइम पे उसे मना कर दूं तो वो मेरे लिए फीलिंग्स छोड़ देगी इसलिए मैंने ये इस सब किया मैं उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा शायद मरते दम तक हिजन कहता है कि ये हुई ना असली रोमियो वाली बातें हम ज्यांगजी और लिंगशा को देखते हैं ज्यांगजी और लिंगशा ड्रिंक करते हैं इसके बाद ज्यांगजी काफी ड्रिंक होकर का। लिंगशा ले के लेपर बैठ जाती है और कहती है तो मुझे पसंद करते हो ना तभी लिंगशा कहता है कि बिल्कुल नहीं उसके बाद वो कहती है ठीक है अगर पसंद करते हो तो हक करो नहीं कहती तो मुझे यहीं पर गिरा दो इसके बाद लिंगशा उसे हक करने के लिए होता है पर झटाक से उसे पटक देता है तभी कहती है तुमने तो मुझे सही में पटक दिया तो बिल्कुल ही मैनर नहीं है इतनी खूबसूरत लड़की को तुम ऐसे इग्नोर कर रहे हो पछताओगे अगले जन्म तक से मनाना था और उसे अपने हुस्न में भी लुभाना था इसके बाद उसके डैड इसे उसे एक बहुत ही खतरनाक तरीका बताते हैं भाई प्यार वाला इसके बाद जांगजी कहती है कि डैड मैं आप, में आपका तरीका जरूर अपनाऊंगी इसके बाद वो काफी हॉट ड्रेस पहनकर लिंग के सामने बैठ जाती है इसके बाद उसे काफी पोजेस करने की कोशिश करती है पर लिंगशाह तक नहीं है इसके बाद कहती है तुम्हारी दिक्कत क्या है मैंने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है कि मैं कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा तभी लिंगशाह कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं और तुम इतनी ज्यादा सुंदर भी नहीं हो जितनी तुम बनती भी हो इसके बाद जंग जी के दिमाग में खुरापा चलती है उसे लगता है कि अगर लिंगशा लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या पता वो ला पता वो लड़कों में इंटरेस्टेड हो इसके बाद वो बली का बकरा असिस्टेंट फेंक को बनाती है यहाँ पर असिस्टेंट फेंग, फेंग लिंग शाव से मिलने के लिए जाता है और वो उसे पूरा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है जैसे उसे बनता है इसके बाद वो कहता है कि प्रदर लिंगशा क्या मुझे इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा तभी लिंग शाह कहता है कि तुम्हारी ये दिक्कत क्या है कभी जा पागल हो जाती है और अब तुम पागल हो रहे हो इसके बाद उसका गलती से हाथ जल जाता है इसके बाद लिंग लिंगशाओ से लेकर अंदर जाता है यहाँ पर जांगजी कहती है क्या ये दोनों कमरे में चले गए इसके बाद जब भाग कर आती है तो देखती है कि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो ये कहती है कि हाँ लिंग शाह लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं है मुझे पक्का हो गया तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है वैसे भी तुम बहुत ज्यादा अगली हो तो यहाँ से जाओ मिस्टर होंग की चैरिटी पार्टी में लिंग लिंगशाह और ज्यांग जान एक साथ जाते हैं यहाँ पर श्वान काफी अच्छे से वेलकम करती है ये अच्छा चल ही रहा था तभी मिस्टर होंगे तो मिस्टर होंग ज्यांगी से डांस के लिए पूछते तभी ज्यांग जी उनके लिए तैयार हो जाती है जब वो जा रही होती तभी एक वेटर उसकी ड्रेस पर ड्रिंक करा देता है इसके बाद जांगजी जब रेस्ट रूम में अपना ड्रेस साफ कर रही होती तभी कोई वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ देता है इसके बाद जांग जी बेहोश हो जाती है और बंदा उसे उठा एक कमरे में बंद कर देता है उसमें आग लगा देता है यहीं पर मिस्टर होंग को जब अंदाज़ा होता है तो उस बंदे का पीछा करते है जिसने ये सब किया था और इसके बाद वो उसका काफी पीछा करते हैं बट उसका एक्सीडेंट हो जाता है यहीं पर हम लिंगशा को देखें तो उससे बहुत ही अजीब फील हो रहा था इसके बाद वो जंगजी को ढूंढते हुए उस कमरे पहुंच जाता है इसके बाद अपने हीरो वाली एंट्री मारता है गेट तोड़कर और वो जंगजी को बचाने के लिए होता है उसके ऊपर एक बड़ा सा खंबा गिरता है बट वो जंगजी को बचा ही लेता है तभी जांगजी उसके गले लग जाती है और कहती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी लिंगशाह उसे लेकर बाहर जाता है और वो कहती है कि प्लीज तुम सबके सामने मत आओ सभी तुम्हें सुपरमैन समझ लेंगे और तुम्हारी जो सच्चाई है सब के सामने आ जाएगी इसके बाद जांगजी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है मिस्टर ड्रॉग जांगजी से मिलने के लिए आते हैं तभी लिंक से कहता है कि प्लीज आप जांगजी के आसपास भी नहीं आएगा आपके बाद तभी जांगजी इस बात से खुश होती है कि लिंशाह उसके लिए जेलस जो हो रहा है आफर दैट यान जी जी यान जी से मिलने के लिए आता है और वो उसके लिए फ़िक्र तो जताता ही है बिकॉज उसकी एक्चुअली चिंता तो करता ही है यहीं पर जंग जी कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो और उसके बाद उनमें इमोशनल फाइट स्टार्ट हो जाती है कि यहाँ पर वो उसे पूछती है कि तुम मुझे एक बात बताओ तुमने मुझे डम क्यों किया था तभी यहाँ पर यान जी कुछ भी नहीं कह पाता इसके बाद उसे कॉल आता है और उस कॉल को रिसीव करने लगता है यहाँ पर माहौल इन दोनों के बीच में हमेशा या फिर लड़ाई वाला या फिर इमोशनल बन जाता है और बात सीधी और बात सीधी उस प्रपोजल पर जाकर अटक जाती है जो कि हमें एपिसोड के सबसे पहले सीन में दिखाया जाता है लिंगशा भी उस घर में प्रेजेंट था और इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था और वो उस फोन कॉल वाली बात भी सुन लेता है इसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन वाली जगह पे पहुंचता है ताकि वह सब कुछ अपनी आंखों से देख सके कि आखिर बात क्या है और वो कौन बंदर था जिसने जांगज जी को हट करने की कोशिश की है जी की मोम असिस्टेंट फैंक से पूछती है कि क्या उनकी सन लॉ उनकी बेटी का रिश्ता अच्छा चल रहा है तभी यहाँ पर असिस्टेंट फैंक कुछ भी नहीं कहा पता और कहता है कि हाँ मेस बहुत अच्छा चल रहा है मैं अपनी आंखों से देखता हूँ मैं झूठी बोलूँगा इसके बाद जांग जी लिंगशा से मिलने के लिए उसकी टाई कमांडो क्लब जाती है यहाँ पर वो लिंगशाओ को फाइट के लिए इनवाइट करती है और वो ई कमांडो प्लेयर है ऐसा वो कहती है आफ्टर दैट जब मैच स्टार्ट होता है तो जांगजी उसे काफ़ी लाल घूसे मारने की कोशिश करती है और मारती भी है लेकिन लिंको के ऊपर उसका कुछ भी असर नहीं पड़ता और कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और उसे मारने के चक्कर में वो जरूर गिर जाती है इसके बाद लिंका उसे उठाकर बाहर ले जाता है यहाँ पर जांगजी उसे अपना प्यार का इजहार करती है और कहती है कि मैं फाइनली जान चुकी हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ दरअसल हम लिंको की बात करें तो वो भी जांगजी को पसंद करता है पर उसे अपनी सच्चाई का भी पता है कि वो एक मोटल है और उसके पीछे खतरा हमेशा लगा ही रहेगा तो जांगजी को खतरे में नहीं डाल सकता इसके बाद वो जांगजी से कहता है कि देखो मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ना ही so, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ सो प्लीज मैं तुम्हारे घर में सिर्फ टेम्परिरी टाइम के लिए रह रहा हूँ अब मेरा काम हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा बट मेरी वजह से तुम ऐसे किसी कंफ्यूजन में ना पड़ो कि तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं ये सिर्फ एक ऑब्जेक्शन हो सकता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं सो प्लीज मेरा पीछा छोड़ो यार एंड डू यू थिंक कि जानजी अपने अपनी एट्थ रिजेक्शन के बाद कुछ कर सकती है इसके बाद हम देखते हैं जानजी बहुत ही इमोशनल तरीके से रो हो रही होती है और इसके कुछ ही सेकंड बाद हमें यह देखा जाता है कि वो सब एक एक्टिंग एक चल रही थी यहीं पर जो उसके इमोशन थे काफ़ी ज़्यादा रियल थे तभी डायरेक्टर काफ़ी टाइम बाद कट बोलते हैं इसके बाद वो जान से बोलते हैं कि हमारा शॉट खत्म हो चुका है तो अब तुम रोना बंद कर सकती हो बट जान तो रोई जा रही थी बिकॉज उसके आंसू बिल्कुल रियल थे भले ही एक्टिंग कर रही है वो इसके बाद जहाँ घर भी नहीं आती यहाँ पर लिंक शाह से काफ़ी कॉल करता है बट जहाँ उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती इसके बाद असिस्टेंट फैंक से कहती है कि उसे घर भी नहीं जाना यहाँ पर जब लिंक शाह के कमरे में एंटर करता है, तो कमरे में भी नहीं होती इसके बाद लिंक अपने काम को लेकर कहीं आउटसाइड चली जाती है और इसके बाद असिस्टेंट फैंक कहता है वो तो सही में लगता है कि हमें ब्रदर शाह को नहीं बताना चाहिए तो ये कहती है कि नहीं वो मेरा लगता ही क्या है उसने मुझे सीधे सीधे रिजेक्ट किया है मैं उसे पसंद नहीं करती मॉन्स्टर मॉन्स्टर का है और वो हमेशा ऐसा ही रहेगा उसकी जिंदगी में कोई लड़की भी नहीं आएगी काफी काम करने के बाद भी चांग जी हार मानने को तैयार नहीं थी इसके बाद वो काफी ज्यादा थक भी चुकी थी तभी असिस्टेंट फेंग उससे कहता है कि प्लीज आप रेस्ट कर लीजिए आपने कई रातों से ढंग से सोई भी नहीं है इसके बाद यहाँ पर जी डिप्रेशन में कह देती है कि फेंग दों दूंग क्या तुमसे शादी करोगे तभी उसे झटका लगता है और कहता है कि प्लीज़ आप ऐसे डिप्रेशन में कुछ भी मत बोलिए ऐसे कोई भी किसी को प्रपोज़ करता है क्या खासकर मुझे इसके बाद ये उसका एक्चुअली नाइन्थ रिजेक्शन हो गया <laughs> भले ही रियल वाला नहीं है बट मान सकते हैं यार इसके बाद वो असिस्टेंट फेंक के साथ बार में जाती है यहाँ पर यहाँ पर काफी ड्रिंक करने के बाद वो बेहोश ही हो जाती है इसके लिंक इसलिए असिस्टेंट फेंक के कॉल करने पर उसे लेने के लिए आता है इसके बाद ले जा रहा था तभी सारी लड़कियां उसे ही देख रही थी कि यार कितना हैंडसम है कैसी गर्लफ्रेंड है तभी वो एक कहती है कि नहीं नहीं हो सकती बट मैं उसे पटा सकती हूँ यार बहुत हैंडसम है काफी ड्रिंक करने के बाद इतने दिनों से आराम ना लेने के बाद शांग जी की हालत काफी खराब हो चुकी थी तभी लिंक शो से स्पेशल ट्रीटमेंट देता है मतलब वही किस वाला और इसी के साथ हमारा ये पार्टी भी खत्म हो जाता है सो मिलते हैं नेक्स्ट के साथ तक के लिए बार बैठी के